हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम आईटी सीरीज की तरफ से आईसीएस पार्ट फर्स्ट के लिए पब्लिश करदा बुक के चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लास्ट 3 फेजेस टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस को कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और हम शुरुआत करते हैं टेस्टिंग से। डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिंग से क्या मुराद है? टेस्टिंग से मुराद सॉफ्टवेयर को इस नीयत से इस्तेमाल करना है कि सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियां सामने आ सकें। टेस्टिंग की मदद से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि सॉफ्टवेयर हर तरह से दुरुस्त काम कर रहा है। टेस्टिंग के लिए सैंपल डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टिंग की मदद से इस बात का पता चलाया जाता है कि सॉफ्टवेयर मतलूबा नतायज फराहम कर रहा है या नहीं। सिस्टम एनालिस्ट और यूजर्स मिलकर सैंपल डाटा तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस ज़िमन में जब टेस्टिंग इंप्लीमेंट की जाती है, किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, तो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जाने चाहिए और सिस्टम को मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ जावियों से इस्तेमाल करके चेक किया जाना चाहिए कि क्या ये एक्यूरेट तरीके से काम कर रहा है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। उसकी वजह यह है कि टेस्टिंग का फेज़ इम्प्लीमेंटेशन से पहले कंप्लीट किया जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में आगे चलकर जैसा कि हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को हकीकी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया जाता है और सिस्टम को एज अ होल यूज़ किया जाता है रियल एनवायरनमेंट में। लेकिन टेस्टिंग में आप डमी डाटा के साथ, सैंपल डाटा के साथ सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। तो बजाय ये कि सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली आप रियल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करना शुरू करें और फिर उसकी प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स सामने आना शुरू हों, उससे पहले ही अगर हमें इनके फॉल्ट्स का पता चल जाता है कि सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, तो उन्हें दूर किया जा सकता है ताकि जब उसे हकीकी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया जाए तो कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिंग को दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, एक सिस्टम के मुख्तलिफ यूनिट्स या मॉड्यूल्स हो सकते हैं। अगर उन मॉड्यूल्स को या उन फंक्शनैलिटीज को इंडिविजुअली इस्तेमाल करके चेक किया जाए कि ये हर एक इंडिविजुअल यूनिट काम कर रहा है या नहीं, तो उसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं या मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बस सर्विस कंपनी ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग एंड रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो नया डेवलप करवाया और उसकी टेस्टिंग करनी है। हम अज्यूम करते हैं कि ये सिस्टम बेसिकली 5 सब मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। इसमें से पहला मॉड्यूल जो है कि वो यूज़र्स को रजिस्टर करता है। नया कोई भी शख्स उस कंपनी की वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। दूसरा मॉड्यूल ये है कि यूज़र को अवेलेबल बस रूट्स और वेकेंट सीट्स की जो है वो डिटेल फराहम की जाती है। तीसरा मॉड्यूल ये काम करता है कि यूज़र जितने भी नंबर ऑफ सीट्स को रिजर्व करना चाहता है वो उसे रिजर्व करता है। और चौथा मॉड्यूल या आप फंक्शनैलिटी कह लीजिए, वो ये है कि यूज़र से ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट की जाती है थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू बैंक। और आखिरी मॉड्यूल क्या काम करता है, यूज़र के लिए एक ऑनलाइन टिकट जनरेट करता है जिसे प्रिंट भी किया जा सकता है। अब ये 5 मॉड्यूल्स हैं, तो जब यूनिट टेस्टिंग की जाएगी तो इनमें से हर एक मॉड्यूल की इंडिविजुअली अलग अलग टेस्टिंग की जाएगी। चेक किया जाएगा कि क्या यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन ठीक से हो रही है, इट मीन्स कि ये मॉड्यूल ठीक काम कर रहा है। उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि क्या यूज़र को अवेलेबल वेकेंट सीट्स और अवेलेबल बस रूट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहा है सॉफ्टवेयर या नहीं। अगर ये भी काम हो रहा है तो दूसरा मॉड्यूल भी ठीक काम कर रहा है। और इसी तरह से बाकी के मॉड्यूल्स को 1 by 1 इंडिविजुअली चेक किया जाता है। जबकि सिस्टम्स टेस्ट के अंदर आप पूरे सिस्टम को वेरीफाई करते हैं, तमाम मॉड्यूल्स को A to Z एक खास सीक्वेंस में। यानी अब इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को आप चेक करने के बजाय पहले मॉड्यूल से काम शुरू होगा या पहले स्टेप से काम शुरू होगा। पहले यूजर रजिस्टर होगा, फिर उसके बाद वो देखेगा कि मुझे अवेलेबल रूट्स और अवेलेबल सीट्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। साथ ही वो उसे जो है वो रिजर्व करने की कोशिश करेगा, फिर वो पेमेंट करने की कोशिश करेगा और फिर वो देखेगा कि टिकट जनरेट हो रही है नहीं। तो जो सिस्टम टेस्ट है, इसमें आप पूरे सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स को यकमुश्त एक सिस्टम के तौर पर, एक सॉफ्टवेयर के तौर पर इकट्ठा चेक करते हैं, जबकि यूनिट टेस्टिंग के अंदर ये काम आप इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की सूरत में करते हैं। टेस्टिंग फेज़ के बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में वो तमाम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जिसमें आप नए बनने वाले सिस्टम को
जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के रियल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करके देते हैं और वहाँ पे वो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि कोई भी नया बनने वाला सिस्टम चाहे कितनी ही एहतियात से क्यों ना डेवलप किया गया हो, इम्प्लीमेंटेशन से पहले तक के तमाम फेजेस को कितना ही एक्यूरेटली क्यों ना हैंडल किया गया हो, लेकिन जब उसे रियल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो यकीनी बात है कि कुछ ना कुछ बग्स, कुछ ना कुछ एरर्स उस सिस्टम में फाइंड किए जाएंगे और स्टार्ट में कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नए बनने वाले सिस्टम को आप अब हकीकी एनवायरनमेंट के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे हकीकी डाटा के साथ टेस्ट किया जाएगा उसे, और उसे ऑपरेशनल किया जाएगा, यानी अब उसे हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस ज़िमन में डियर स्टूडेंट एक और काम किया जाता है, डाटा माइग्रेशन का अमल जो है वो किया जाता है। डाटा माइग्रेशन ये है कि पहले से जिस जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस सिस्टम का जो डाटा है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है नए सिस्टम के अंदर। डाटा माइग्रेशन के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, यूजर्स को ट्रेन भी किया जाता है। अब देखिए, आपका जो सिस्टम है वो तैयार हो चुका है और नई ऑर्गेनाइजेशन में जब उसे इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफिनेटली जिन लोगों ने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना है उन्हें उस नए सिस्टम से आशनाई दिलाना ज़रूरी है। तो नए सिस्टम से यूज़र्स को आशना करने के लिए यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स या प्रोफेशनल ट्रेनर्स की खिदमात हासिल की जाती हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान यूज़र्स को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि नए सिस्टम को रोज़मर्रा मामूलात के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए जाते हैं ये 1-to-1 भी हो सकते हैं, यानी एक एक यूज़र को इंडिविजुअली ट्रेन किया जाए, और क्लासरूम की सूरत में या ग्रुप की सूरत में भी ये ट्रेनिंग फराहम की जा सकती है। ट्रेनिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग सेशन के अलावा यूजर्स मैनुअल और प्रोसीजर हैंडबुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज़र मैनुअल से मुराद एक ऐसी बुक है जिसमें पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और उसके हर एक अलग अलग मॉड्यूल की भी डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जबकि प्रोसीजर हैंडबुक से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए स्टेप बाय स्टेप हिदायत मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर हैंडबुक्स ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं एज कम्पेयर टू यूज़र मैनुअल। उसकी वजह यह है कि यूज़र मैनुअल चूँकि काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसमें पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट में मौजूद शख्स को सिस्टम के किसी खास हिस्से पर सिर्फ काम करना होता है। इसलिए अगर प्रोसीजर हैंडबुक्स का इस्तेमाल किया जाए तो हर शख्स अपने मतलूबा काम से मुतालिक प्रोसीजर हैंडबुक्स की मदद से जो भी टास्क उसने परफॉर्म करने हैं वो आसानी के साथ परफॉर्म कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन फेज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन से मुराद क्या है, हम जैसे बात कर चुके हैं कि ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में कन्वर्ट होना, इसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए चार अप्रोचेज हैं, इनमें से कोई एक अप्रोच यूज़ की जा सकती है। इसमें जो सबसे पहली अप्रोच है इसे हम पैरेलल कन्वर्जन कहते हैं। पैरेलल कन्वर्जन से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स, इससे मुराद ये है कि आपका जो ओल्ड सिस्टम पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो भी चलता रहता है, जबकि उसके साथ नया सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब दो सिस्टम बैक वक्त काम कर रहे होते हैं, ये आपके इम्प्लीमेंटेशन का सबसे कम रिस्की तरीका है, सबसे सेफ तरीका है। उसकी वजह यह है क्योंकि अब आपका एक ही काम दो तरह से किया जा रहा होता है, तो आपको ये परेशानी नहीं होती कि नए सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई बग्स आ रहे हैं तो आपका काम मुतासिर हो रहा है, क्योंकि आपका ओल्ड सिस्टम भी पहले से काम कर रहा है और अभी भी वो साथ साथ पैरेलल काम कर रहा है। इसलिए आपको नए सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है और आप बड़ी तसल्ली और आराम से इस नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन को तसल्ली हो जाती है कि अब नया सिस्टम बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है और उसके तमाम बग्स और तमाम एरर्स और खामियां दूर हो चुकी हैं, उस वक्त पुराने सिस्टम को ख़त्म करके पूरी तरह से फिर नए सिस्टम को ही सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल कन्वर्जन अगरचे काफ़ी सेफ है लेकिन ये काफ़ी महंगी अप्रोच है। उसकी वजह बड़ी साफ जाहिर है कि आपको अब दो सिस्टम्स एक ही वक्त में मेंटेन करने हैं, आपके उसके लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये पैरेलल कन्वर्जन के बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा हमारे पास कन्वर्जन अप्रोच है या इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पायलट कन्वर्जन कहते हैं। पायलट कन्वर्जन से क्या मुराद है, पायलट कन्वर्जन में आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा
नए सिस्टम को इस्तेमाल करता है जबकि बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पुराने सिस्टम के ऊपर काम करती रहती है। यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पर नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा पूरे सिस्टम को नए सिस्टम को ही इस्तेमाल करेगा जबकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पुराने सिस्टम पर चलती रहेगी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बड़ा ही आइडियल तरीका है। उसकी वजह यह है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं जहाँ पे उस सिस्टम ने यूज़ होना है। तो एक जगह पे आप सिस्टम को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं और जब वो सिस्टम आपको लगे कि अब पूरी तरह से काम करने के काबिल हो चुका है, उसके बग्स, उसकी खामियां दूर हो चुकी हैं, तब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाकी तमाम पार्ट्स पे भी नए सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पायलट कन्वर्जन के बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फेज कन्वर्जन की। फेज कन्वर्जन से क्या मुराद है? फेज कन्वर्जन में आप किसी सिस्टम के एक खास हिस्से को पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और फिर जब वो एक खास मॉड्यूल प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है तो फिर आप दूसरे मॉड्यूल्स को वन बाय वन इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं। इस जीवन में मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने जब अपने पास एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप किया जिसमें बहुत सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली किए जाने, जिनमें टेस्ट और पेपर्स की प्रिपरेशन, स्टूडेंट्स के मार्क्स, स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट, स्टूडेंट की अटेंडेंस, ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होना था, तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ अटेंडेंस मॉड्यूल को इंप्लीमेंट किया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और जब वो मॉड्यूल प्रॉपरली काम करने लगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फिर उन्होंने दूसरे मॉड्यूल्स को वन बाय वन वहां पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की कन्वर्जन काफी स्लो है क्योंकि इसमें पहले आपको एक मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है। जब आप पहला मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें बग्स और एरर्स होंगे, उन्हें दूर किया जाएगा। जब दूर कर दिया जाएगा अब आप दूसरे मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस तरह से वन बाय वन जब आप मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जो लास्ट हमारे पास अप्रोच है कन्वर्जन या इम्प्लीमेंटेशन की, वो है डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन से क्या मुराद है? अगर आप पुराने सिस्टम को बराह रास्त ख़त्म कर दें जो ही नया सिस्टम डेवलप हुआ, टेस्ट हो गया और टेस्टिंग के बाद डायरेक्टली आप उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं और पुराने सिस्टम को उठा के आप एक साइड पर रख देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कन्वर्जन है। जैसा कि सुनने में ही लग रहा है कि ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि अभी जो आपका नया बनने वाला सिस्टम है वो रियल एनवायरनमेंट में पूरी तरह से काम करके उसको चेक नहीं किया गया, तो जब आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे और पुराने सिस्टम को आप साइड पर रख देंगे तो जो प्रॉब्लम्स और एरर्स और बग्स आपको नए सिस्टम में फेस करना पड़ेंगे डेफिनेटली उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशंस हैं, जो काम है, उसमें ज़रूर रुकावट पैदा होगी, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। लेकिन जहाँ तक एक्सपेंसिव होने की बात है तो डायरेक्ट कन्वर्जन लीस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको इसमें वक्त वक्त दो सिस्टम को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी आपके कन्वर्जन के तरीके हैं उसमें आपको किसी ना किसी तरह से पुराने सिस्टम को भी साथ लेकर चलना पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन में पूरा का पूरा सिस्टम ही रिप्लेस हो गया तो अब आपको पुराने सिस्टम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त में सिर्फ एक सिस्टम ही काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा लास्ट फेज आता है जो है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, जब आपने सिस्टम को रियल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर दिया, वहां पे वो काम कर रहा है, तो अब जो मेंटेनेंस फेज है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है डियर स्टूडेंट्स के मेंटेनेंस तो सिस्टम की चलती ही रहती है। उसकी वजह ये है कि सिस्टम ने ना सिर्फ आज काम करना है बल्कि सिस्टम ने आने वाले वक्त में भी हमें सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है। इसलिए मेंटेनेंस फेज के अंदर आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज आते हैं, तो मेंटेनेंस फेज के तहत उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है ताकि सिस्टम स्मूथ तरीके से काम करता रहे। मेंटेनेंस फेज में ही डियर स्टूडेंट्स सिस्टम की अपडेशन भी शामिल है। अपडेशन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वक्त के साथ साथ उनके जो काम करने के तरीकेकार हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो आपके नई रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जनरेट होती रहती हैं। इस सूरत में जो आपने सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम अपने पास इंप्लीमेंट किया है वो नई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के काबिल रहे, इसके लिए आपको उसमें तब्दीलियां करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ, वो भी मेंटेनेंस फेज का ही हिस्सा है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपके वर्किंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम भी मेंटेनेंस फेज का हिस्सा है। इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि आपका सिस्टम जो है वो कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर रहा हो।